तो दोस्तों 2017 में इट चैप्टर 1 ने धुआं उठा दिया था क्योंकि यह फिल्म बस 35 मिलियन डॉलर्स में बनी थी और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 700 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा कमाए थे। इस फिल्म की एक खास बात और है कि यह अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉरर फिल्म है। लेकिन इन सभी में से ज्यादा जो कैरेक्टर फेमस हुआ वो था पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको काफी कुछ पेनीवाइज, डेरी टाउन, लूजर क्लब और इट चैप्टर 1 के बारे में बताऊंगा ताकि जब आप इट चैप्टर 2 को देखने जाएंगे तो आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन ना हो। थोड़ी बहुत बात हम इट चैप्टर 2 से भी रिलेटेड करेंगे तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर इस डांसिंग क्लाउन यानी कि पेनीवाइज ने हम सभी को खूब डराया है और एंटरटेन भी किया है। लेकिन यहाँ पर आज बात करते हैं कि ये आखिर है कौन और इसने डेरी टाउन को ही क्यों चुना रहने के लिए। हालांकि मूवी में थोड़ी बहुत चीजें पेनीवाइज के बारे में बताई गई हैं, लेकिन आज हम इसकी बैक स्टोरी और माइथोलॉजी देखेंगे कि ये आखिर एग्जैक्टली है कौन। तो सबसे पहले बात करें पेनीवाइज की असली फॉर्म की, जो कि एक जोकर तो बिल्कुल भी नहीं है। यह तो बस एक फॉर्म है जो कि उसने ले रखी है। अब यहाँ पर ना ही यह क्रीचर अर्थ से है बल्कि यह क्रीचर एक दूसरे ही डायमेंशन से है जो कि हमारी धरती के इर्द गिर्द है, जिसका नाम है मैक्रो यूनिवर्स। यह एक एंशियंट डिमोनिक एंटिटी है जिसको बनाने वाला कोई और ही है। पेनीवाइज की असली फॉर्म है एक ऑरेंज लाइट, जिसको हम डेड लाइट भी कहते हैं, और यह एनर्जी ओरिजिनेट मैक्रो यूनिवर्स से ही हुई है। अब इट इस ऑरेंज लाइट को अलग अलग फॉर्म्स में जाकर अपने विक्टिम्स पर इस्तेमाल करता है, जिससे या तो वो अंधे हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं या फिर माइंड से अनस्टेबल हो जाते हैं। बुक की रेफरेंस की बात करें तो वहाँ पर यह लिखा है कि अगर इट चाहे तो इस लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा कर सकता है जिससे इसको देखने वाले की मौत भी हो सकती है। इस ऑरेंज लाइट को तो हमने इट चैप्टर 1 और 2 के ट्रेलर में भी देखा है। इट चैप्टर 1 के अंत में जब बेवरली को पेनीवाइज पकड़कर गटर में ले जाता है तो वहाँ पर यह ऑरेंज लाइट वो उसको दिखवाता है, जिससे बेवरली बिल्कुल हिप्नोटाइज होकर हवा में फ्लोट होने लगती है। अब बच्चों को लुभाने के लिए भी यह लाइट को इस्तेमाल करता है। अब बात करें इट के दुश्मन की तो बुक के हिसाब से उसका दुश्मन एक जायंट टर्टल है जिसका नाम है मटोरिन। हालांकि मूवी के अंदर यानी कि इट चैप्टर 1 में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ मूवी के अंदर दो ऐसे सीन्स आते हैं जहां पर टर्टल का जिक्र हुआ है। सबसे पहले जब सारे के सारे बच्चे क्वारी में स्विमिंग करने जाते हैं और बिल डाइव करता है और उसको वहां पर एक टर्टल नजर आता है। दूसरा जब तब बिल अपने फैमिली बेसमेंट में होता है, वहां पर उसको अपने छोटे भाई जॉर्जी के रूम में एक टर्टल मिलता है जिसको वो जमीन पर गलती से गिराकर तोड़ देता है। अब स्टीफन किंग की नोवेल के हिसाब से हमारे यूनिवर्स को इस टर्टल ने बनाया था क्योंकि इसको कुछ डाइजेशन इश्यूज हो गए थे जिसके कारण इसने वोमिट की और हमारे यूनिवर्स बना। मुझे लगता है कि फिल्म के अंदर इस चीज को शायद इसलिए नहीं दिखाया गया है क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा अजीब है कि एक टर्टल के इनडाइजेशन की वजह से हमारा यूनिवर्स क्रिएशन हुआ है। हालांकि टर्टल और इट हमेशा से ही एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, पर इन दोनों का भी एक क्रिएटर है जो कि इन दोनों से ज्यादा ताकतवर है, जिसका नाम ज्ञान है और उसने ही सारी दुनिया का निर्माण किया है। बात करें रियल मूवी और बुक के बारे में तो बिल को यह टर्टल रिचुअल ऑफ चुट के बारे में बताता है और हेल्प करता है। ज्ञान बिल को पावर भी प्रोवाइड करता है इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए। अब मूवी में देखें तो लूजर्स क्लब ने इट चैप्टर 1 में पेनीवाइज को बिना किसी रिचुअल के हराया था, पर यहां पर एक कैच है कि जब बेवरली को पेनीवाइज ने हिप्नोटाइज किया था तो बेवरली ने सारे के सारे लूजर्स क्लब के एडल्ट वर्जन्स को पेनीवाइज से लड़ते हुए देखा था और इसी के चलते इन सभी ने एक ब्लड ओथ ली थी कि अगर इट वापस आया तो ये सभी उसको रोकने के लिए वापस आएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक बार हम इट चैप्टर 1 की स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि आखिर इट चैप्टर 1 में हुआ क्या था, ताकि मेरे चैनल पर पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के साथ साथ इट चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। तो इट चैप्टर 1 की कहानी जाती है ऑल द वे 1988 में, जहां पर बिल अपने छोटे भाई जॉर्जी के लिए एक नाव बनाता है जिसके साथ खेलने जॉर्जी बाहर चला जाता है। जॉर्जी की नाव वहां नाले के अंदर बह जाती है और वहां पर उसको नाले के अंदर मिलता है पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन, जो कि जॉर्जी को नाव देने के बहाने लुभाता है और उसका हाथ काट लेता है। फिर उसको अपने साथ अंदर गटर में ले जाता है। इस चीज के लिए बिल खुद को ही ब्लेम करता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके कारण ही उसके भाई की मौत हुई है। अब यहां पर बिल के साथ कई सारे बच्चे और जुड़ जाते हैं, जैसे
के रिची, बेवरली, एडी, स्टैनले, माइक और बेन, जो कि मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम होता है लूजर्स क्लब। दूसरी तरफ एक बदमाश ग्रुप होता है जो कि हेनरी और उसके दोस्तों का था। हेनरी हमेशा इनको परेशान किया करता था और पूरी मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि बड़े लोगों का इन हो रही घटनाओं पर कोई भी असर नहीं होता। जैसे नॉर्मली कोई भी किसी को मुसीबत में देखता है तो वो हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर डेरी टाउन में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब हेनरी बेन को बुरी तरह से मार रहा होता है तो साइड से एक कार गुजरती है जिसके अंदर हमको एक रेड बैलून नजर आता है और वो लोग कुछ भी नहीं करते। अब हो सकता है कि पूरा का पूरा डेरी टाउन ही इट के कंट्रोल में हो क्योंकि इसके पास टेलीपैथिक पावर्स हैं। खैर, अब यहाँ पर बेन को लूजर्स क्लब के बच्चे बचाते हैं और हेनरी के साथ उसके दोस्त इनका पीछा करते हैं, लेकिन हेनरी का एक दोस्त पैट्रिक नाले में चला जाता है लूजर्स क्लब को ढूंढते और बस वहां पर पेनीवाइज आके पैट्रिक को मार डालता है। खैर, अब ये सात बच्चे अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं और बेन इनको अपने घर में लेकर जाता है जहाँ पर इस टाउन की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि यह टाउन कुछ अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स का शिकार हर 27 सालों में होता है, लाइक फैक्ट्री में आग लग जाना जिसमें सारे के सारे बच्चों का मरना, क्लब में बच्चों का गायब होना और भी काफी कुछ। लेकिन इसमें स्ट्रेंज ये था कि टाउन के सारे लोग इन हादसों को भूल जाया करते थे कि जैसे कुछ भी हुआ ना हो। इस टाउन में लोगों की गायब होने की रेशो 6 times नॉर्मल से ज्यादा थी और बच्चों के केस में ये उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। खास बात यह थी कि यह चीज हर 27 साल में हुआ करती थी। अब लूजर्स क्लब के बच्चों को इट यानी कि पेनीवाइज अलग अलग रूप में आकर डरा रहा था, जिसको सब बच्चे इवेंचुअली एक्सेप्ट करते हैं कि ये सब चुने गए हैं और इन सभी को सेम चीज का सामना करना पड़ रहा है। इस कॉस्मिक एंटिटी को लूजर्स क्लब ने इट बुलाना शुरू किया था। यहाँ पर इन सभी को इट की शक्तियों का पता चलता है कि इट शेप शिफ्टिंग करता है क्योंकि इसके पास टेलीपैथिक पावर्स हैं और ये हर किसी के डर को सेंस कर लेता है और उसी चीज की शेप लेकर सभी को डराता है। अब यह सभी बच्चे एक पुराने अबैंडन्ड हाउस में जाते हैं जहाँ पर ये मैप में देखते हैं कि यह इट का रहने का इलाका है। वहां पर जाकर इनको काफी स्केरी चीजों का सामना करना पड़ता है क्योंकि पेनीवाइज शेप शिफ्टिंग किया करता था। बट यहाँ पर एक खास बात पता चलती है कि पेनीवाइज जिस चीज का शेप लेता है उसकी वीकनेस भी उसके अंदर आ जाती है। जैसे उसने जब वेयरवुल्फ का रूप लिया था तो सिल्वर बुलेट से उसको नुकसान पहुंचा था। अब यहाँ पर एक सीन आता है जहाँ पर 3 gates पर लिखा होता है कि स्केरी, नॉट स्केरी और वेरी स्केरी। तो ये सीन शायद इट चैप्टर 2 में भी होगा। बेसिकली पास्ट में हुई घटनाओं को पेनीवाइज इन सभी के एडल्ट वर्जन को दिखाएगा ताकि पेनीवाइज को मजा आएगा। पर ऐसा क्यों? क्योंकि पेनीवाइज ने इसी घर में एक्सप्लेन किया था कि बच्चों को डरा के खाना उसका सबसे फेवरेट खाना है क्योंकि इट्स लाइक आइसिंग ऑन द टॉप। डर उसके लिए एक तरह से सॉल्ट की तरह काम करता है। अब अगर आपको फीका खाना दिया जाए तो आप खा तो लोगे लेकिन वो मजेदार नहीं होगा। तो इसी तरह से पेनीवाइज के लिए डर सॉल्ट की तरह काम करता है। खैर, अब यहाँ पर घर के अंदर पेनीवाइज सभी को डराता है लेकिन किसी तरह से बच्चे उसको हरा देते हैं। अब ग्रुप डर जाता है और बस बेवरली और बिल ही बच जाते हैं जो कि इट से फाइट करेंगे। हालांकि इस चीज की शुरुआत इट से फाइट करने से नहीं हुई थी। यहाँ पर बिल ने यह ग्रुप इसलिए बनाया था ताकि वो अपने भाई जॉर्जी को ढूंढ सके क्योंकि उसको ये लगता था कि शायद वो अभी भी नीचे नाले में जिंदा होगा। अब कई हफ्तों के बाद बेवरली अपने सेक्सुअली अब्यूजिव फादर को फाइनली कन्फ्रंट करती है और उस जगह पर उसको पेनीवाइज किडनैप कर लेता है। अब लूजर्स क्लब के सभी मेंबर उसी हाउस में वापस जाते हैं बेवरली को बचाने के लिए, जहां पर हेनरी को इट अपने काबू में कर लेता है क्योंकि उसके पास माइंड कंट्रोलिंग पावर्स भी हैं जैसे उसने पूरे डेरी टाउन को किया हुआ था। हेनरी अपने पिता का भी खून कर देता है और लूजर्स क्लब के मेंबर्स को भी मारने की कोशिश करता है जब वो इस घर में पेनीवाइज को खत्म करने आते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो साफ थी कि पेनीवाइज यानी कि इट इन बच्चों से डरा हुआ था क्योंकि शायद उसने भी फ्यूचर जरूर देखा होगा। खैर, अब यहाँ पर लूजर्स क्लब हेनरी को घायल करके वेल के नीचे फेंक देते हैं जिससे शायद उसकी मौत हो जाती है, पर हम सभी जानते हैं कि हेनरी मरा नहीं है और वो मेंटल हॉस्पिटल में होगा जो कि हमको आने वाले पार्ट 2 में जल्दी ही पता लग जाएगा। खैर, अब नीचे जाकर देखने पर वहां पर बेवरली के साथ कई सारे बच्चे हवा में फ्लोट कर रहे थे और तभी इस फिल्म की टैग लाइन है कि यू विल फ्लोट टू। अब बेन बेवरली को किस करता है और उसको होश मिलाता है। यहाँ पर हमको इट का एक स्पाइडर वाला रूप नजर आता है जो कि उसका काफी क्लोज रियल फॉर्म है जो कि इंसान देख सकते हैं।
अब पेनीवाइज बिल को होस्टेज की तरह ले लेता है और बाकी ग्रुप को बोलता है कि वो सब बच जाएंगे अगर उन्होंने बिल को उसको खाने दिया और फिर वो 27 सालों के लिए हाइबरनेशन में चला जाएगा। लेकिन लूजर्स क्लब इस चीज को नजरअंदाज करते हैं और पेनीवाइज से लड़ाई करते हैं, जहां पर वो अलग अलग रूप लेता है पर लूजर्स क्लब किसी तरह से उसको हरा देता है और पेनीवाइज नाले के अंदर चला जाता है अगले 27 सालों के लिए आराम करने के लिए, ताकि वो फिर से शक्तिशाली होकर लौटेगा। बिल फाइनली अपने भाई जॉर्जी की डेथ से ओवरकम करता है और सब कुछ एक्सेप्ट करता है कि जो कुछ हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी। अब समर एंड होने लगता है और बेवरली ग्रुप में सभी को इन्फॉर्म करती है कि जब वो हिप्नोटाइज हुई थी तो उसने एक फ्यूचर विजन देखा था, जहां पर इन सभी के एडल्ट वर्जन्स पेनीवाइज से लड़ाई कर रहे थे। लूजर्स क्लब अब एक ब्लड ओथ लेता है कि अगर पेनीवाइज फिर से वापस आया तो ये सभी डेरी टाउन के बच्चों को और सब लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर जरूर वापस आएंगे। लूजर्स क्लब अब अलग अलग चले जाते हैं और अंत में बिल और बेवरली किस करते हैं अपना प्यार का इजहार करने के लिए, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी इट चैप्टर 1 की मेन डिटेल्स जो आपको इसका सेकंड पार्ट देखने से पहले जान लेनी चाहिए थी। बाकी कुछ और ऐसे हिंट्स हैं जो कि काफी मजेदार हैं, जैसे कि इट चैप्टर 1 की रिलीज डेट थी 8 सितंबर 2017 और अगर इन सभी के न्यूमेरिक्स को ऐड किया जाए तो ये 27 बनता है, और ये बात हम सब जानते हैं कि 27 साल बाद ही पेनीवाइज जाग उठता है। अब यहाँ पर इट चैप्टर 2 की रिलीज डेट देखें तो वो है 6 सितंबर 2019, और अगर इसके भी न्यूमेरिक्स ऐड किए जाएं तो ये भी 27 इयर्स बनते हैं और पेनीवाइज फिर से 27 साल बाद जाग गया है, जहां पर एडल्ट लूजर क्लब पेनीवाइज का खात्मा कर देगा या फिर स्टिल कुछ ना कुछ रह जाएगा। इस फिल्म में मेन हेनरी भी वापसी करेगा, जो कि मेरे ख्याल से अभी भी पेनीवाइज के ही कंट्रोल में है। अब यहां पर ये बात मुझे डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन नोवेल के अकॉर्डिंग पेनीवाइज के पास टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथी की शक्तियां हैं, जिससे वो पूरे डेरी टाउन पर कंट्रोल करता है। अब बात करें डेरी टाउन की, तो यह टाउन की हिस्ट्री है क्या, तो प्री हिस्टोरिक टाइम में इट धरती पर एक एस्टेरॉयड के रूप में आया था, जिसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक जगह पर किया, जिस जगह का नाम डेरी पड़ा। जब इट एक्टिवेट होता है तो तबाही होती है, और जब वो हाइबरनेशन में जाने वाला होता है तो तब भी काफी बड़े स्केल पर तबाही मचती है। बेसिकली इट एक इंटरडायमेंशनल कॉस्मिक एंटिटी है जो कि बहुत तबाही फैलाता है, स्पेशली बच्चों के लिए यह बहुत खतरनाक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यह एडल्ट्स पर असर नहीं करता या फिर उनको नहीं मारता, लेकिन इसको बच्चे सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि बच्चों का डर बहुत ज्यादा होता है। अब इस हिसाब से तो इट नमक बहुत ज्यादा पसंद करता होगा, जस्ट जोकिंग। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि जो इट ने पेनीवाइज का रूप लिया है वो ग्रेट सर्कस का एक क्लाउन होगा, क्योंकि इट चैप्टर 1 में पेनीवाइज ने अपना नाम जॉर्जी को रॉबर्ट ग्रे बताया था, पर आखिर ये रॉबर्ट है कौन? क्या ये वो इंसान है जिसको हमने इट चैप्टर 2 के ट्रेलर में बेवरली के पुराने घर में देखा था, या फिर सर्कस वाले मैनिक सीन में? खैर जो भी हो, चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि बुक को कैसे पार्ट 2 में इंक्लूड किया गया है वो देखने वाली बात होगी। बात करें क्लाउन अपीयरेंस की, तो स्टीफन किंग ने इसकी इंस्पिरेशन रियल लाइफ मर्डरर जॉन वेन गेसी से ली होगी, जो कि एक बहुत ही खतरनाक मर्डरर था, जो कि क्लाउन की ड्रेस में बच्चों को लुभाता और उनको मार दिया करता था। हो सकता है रॉबर्ट ग्रे क्लाउन बनता था और वो खुद को पेनीवाइज बुलाता होगा, किसी हादसे के दौरान शायद से वो मर गया या फिर इट ने ही उसको मारा और उसी के बाद से ही इट ने पेनीवाइज का रूप लिया हो। खैर ये भी हो सकता है कि स्टोरी को चेंज करके ये किया गया होगा कि रॉबर्ट ग्रे पेनीवाइज बना होगा किसी हादसे के दौरान। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज ना होना, इट और पेनीवाइज का क्या सीन है? इट और पेनीवाइज दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि इट एक असली क्रीचर है जो कि अलग अलग रूप लेता है, और इट का फेवरेट रूप है पेनीवाइज, क्योंकि इससे उसका फेवरेट फूड यानी कि बच्चों को लुभाने में हेल्प मिलती है। मूवी में हमको मोस्टली पेनीवाइज ही नजर आता है। एक खास बात जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इट ने सबका माइंड कंट्रोल करा हुआ है, बेसिकली बड़े लोगों का। तभी तो जब बेवरली को अपने बाथरूम में ब्लड दिखता है और जब वो अपने डैड को इस चीज को दिखाती है तो उनको बाथरूम बिल्कुल सही नजर आता है, पर जब लूजर क्लब वहां पर आते हैं तो वहां पर सभी मेंबर्स को ब्लड से भरा हुआ बाथरूम नजर आता है, जिसको वो सभी मिलकर साफ करते हैं। अब यहां पर मेरे हिसाब से इट को रिचुअल ऑफ चुड के जरिए ही खत्म किया जाएगा, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि यहां पर इसको इंक्लूड कैसे किया जाए।
जाएगा और लूजर क्लब को इस बात का पता कैसे चलेगा। हो सकता है यहाँ पर टर्टल के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो जो कि हमें कल पता चल ही जाएगी। खैर, मैंने तो अपनी टिकट 6 सितंबर को फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए बुक कर ली है और मैं इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड भी हूँ। आप सभी का क्या ख्याल है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा मजेदार और नॉलेजफुल रही होगी और आशा करता हूँ कि अब आपको 8 चैप्टर 2 देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो। अब यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए दे दी हैं। मूवी देखने के बाद एक छोटा सा स्पॉइलर फ्री रिव्यू और उसके बाद एक फुल मूवी एक्सप्लेनेशन मैं बहुत ही जल्दी से लेकर आऊंगा। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर चैनल पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूवीज और टॉपिक्स आने वाले हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए।